तो वहां पे आपको प्लस सी तो लिखना ही है, करेक्ट। ये हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जैसे आपके पास मान लीजिए यहाँ पे ऐसा लिखा रखा हो एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, तो इसको इंटीग्रेट करो। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है एक्स की पावर एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यार एक्स की पावर 3 अपॉन 3+ सी। तो इसको हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। तो बस जस्ट नॉर्मल नॉर्मल फंक्शंस को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे अपने क्लास। नाउ ये ऐसा हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सो नाउ मान लीजिए अगर आपके पास फंक्शन ऐसा दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, है ना, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो नाउ अब देखिए ध्यान से कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसे करेंगे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। ओके नाउ इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है भाई, एक्स की पावर यहाँ पे वन है, तो एन की वैल्यू कितनी है वन, तो ये कितना हो गया एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। ओके तो ये हो गया एक्स की पावर वन का, तो और ये प्लस सी यहाँ पे जोड़ देंगे। नाउ प्लस इंटीग्रेशन टू वन डी एक्स, है ना। देखिए ध्यान से वन डी एक्स बार बार मैंने आपको बताया, इस बार भी आपके पास ऐसा इंटीग्रेशन डी वाई दिया हो, इंटीग्रेशन डी जेड दिया हो, इंटीग्रेशन वन ऑफ डी दिया हो, है ना। तो ये वन इंटू डी वाई है, तो इसको इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, वाई आता है। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है जी, इसका इंटीग्रेशन जेड आता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डी आता है। हाँ भाई क्या हो गया, श्योर देखो आराम से बैठो, अपना डिवाइस सामने रखो और चुपचाप सुनो और लिखो, है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस। ओके नाउ मैं आपको बता रहा हूँ इंटीग्रेशन का, यहाँ पे कभी आया आपके पास वन इंटू डी वाई, वन इंटू डी जेड, वन इंटू डी टी, तो इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, डी वाई जेड ऐसा। नाउ यहाँ पे आपके पास क्या आया है, वन इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो। आप कैसे लिख सकते हो, ये आ गया आपके पास इंफिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स, है ना, प्लस सी। तो आपका ये टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स। ये देखिए ये सी और ये सी जोड़ देंगे तो फिर से क्या आएगा आपके पास, कोई एक नंबर आएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पे कुछ कोई कॉन्स्टेंट आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया, दो कॉन्स्टेंट को जोड़ेंगे फिर से आपके पास क्या आएगा, कॉन्स्टेंट। फिर से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक बार और सी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स प्लस। ओके ये हो गया हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। नाउ एक बात मैं आपको समझा देता हूँ, ये डी एक्स डी वाई और डी जेड को हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी एक्स, तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, वन को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे एक्स की पावर जीरो लिख सकता हूँ, सकते हैं ना। किसी भी नंबर की पावर आप जीरो पुट करो, उसकी वैल्यू कितनी आती है जी, वन आती है। तो एक्स की पावर जीरो इंटू डी एक्स, तो अभी ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन प्लस सी। तो ये क्या आ गया भाई, एक्स की पावर वन, ये नहीं आ गया आपके पास एक्स। ओके एक्स अपॉन वन प्लस सी, मतलब ये आ गया आपके पास एक्स प्लस सी। ओके इस बात को आप याद रखना। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये होता है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, हर जगह आपको काम आने वाला है पूरी फिजिक्स में। तो ये बेसिक फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको जरूरत पड़े तो लेक्चर के उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा, बट आपकी भी ड्यूटी है कि आप पीछे जाके उसको रिवाइज करते रहो, है ना। नाउ इसको बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें हम प्लस सी ऐड करते हैं, सॉरी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ होता नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख रखा है, तो यहाँ पे लिमिट लिमिट पुट करते हैं कि ये जो फंक्शन है ना आपका, ये फंक्शन 2 से लेके 3 तक में डिफाइन है ना, 2 से 3 तक। तो इसमें देखो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1, है ना। अब यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखते हैं, प्लस सी नहीं लिखते, और यहाँ पे इसकी लिमिट रखते हैं 2 से लेके ऐसे 3 तक। तो नाउ ये कितना हो गया, एक्स की पावर 3 अपॉन 3, और इसकी लिमिट है कहाँ से कहाँ तक भाई, 2 से लेके 3, है ना। तो नाउ चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा होता है कि अपर लिमिट को एक बार हम यहाँ पे वेरिएबल में पुट करेंगे, माइनस एक बार फिर से इस लोअर लिमिट को हम यहाँ पुट करेंगे। जैसे कि एक्स एक्स की जगह क्या पुट करना है अभी हमें, यहाँ 3, तो 3 का क्यूब अपॉन 3
माइनस एक बार लोअर लिमिट को पुट करेंगे एक्स में, तो कितना हो जाएगा टू का क्यूब अपॉन अर्थ। ओके ऐसा हो गया, तो अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 27 बाई 3 माइनस 8 बाई 3, तो ये हो गया जी आपका आंसर। आंसर हो गया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 19 बाई 3, दिस इज योर आंसर। ओके चलो यस, यहाँ तक समझ में आया? जो भी कोई बच्चा जिसको डाउट रहा हो, पहले समझ में नहीं आया वो क्या कुछ क्लियर, क्या ये दो आपको समझ में आया? क्या ये दो बातें आपको समझ में आई सारे बच्चों को जिनको डाउट था? यस सोहेल क्लियर है? एक बार रिवाइज करा दिया? हाँ सोहेल बताइए आपको डाउट है, अभी क्लियर है सोहेल? ओके ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम और क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। तो पहला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने, ऐसा एक फंक्शन दे रखा है हमारे पास, फंक्शन इज v इक्वल्स टू e प्लस 1, फंक्शन है हमारे पास, क्वेश्चन ऐसा ऐसे दे रखा आपके पास v इक्वल टू e प्लस 1, ऐसा एक फंक्शन दे रखा है वेलोसिटी का फंक्शन। सो आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड्स, 0 से 2 सेकेंड के बीच में पार्टिकल का आप डिस्प्लेसमेंट निकालें, है ना? सो एक बार आप इसको मैथमेटिकली मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसा फिजिकली क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है ना। सो मान लीजिए कोई पार्टिकल चल रहा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी को मैंने ऑब्जर्व किया, पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या करा मैंने, ऑब्जर्व करा। सो पार्टिकल की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करा और यहाँ पे कुछ तो ऐसे मैंने क्या बनाया, एक टेबुलर फॉर्म बनाया, जैसे b इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस 1, यानी पे प्लेन रोड है और यहाँ पे पार्टिकल क्या हो रहा है ऐसे ये आगे जा रहा है। तो मैंने देखा पार्टिकल की वेलोसिटी t इक्वल टू 0 सेकंड्स में है ना, क्या है वेलोसिटी, तो मैंने क्या करा यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट किया, तो v इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 0 प्लस 1, तो वेलोसिटी आ गई मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड, है ना। थोड़ी देर बाद देखा दूसरे सेकंड पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या आ गई, v इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड। फिर थोड़ी देर बाद देखा 3 सेकंड पे देखा, तो वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड, है ना। तो हमने इन सारी वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया और इसके हिसाब से मैंने क्या करा, हमने यहाँ पे एक इसका एक फंक्शन बना दिया v इज इक्वल टू t प्लस 1, करेक्ट है। नाउ अभी ऐसा फंक्शन है और आपको ऐसा बता दिया गया कि गाड़ी की वेलोसिटी है 0 पे 1 है, 1 सेकंड पे 2 है, 2 सेकंड पे 3 मीटर पर सेकंड है, ऐसा अगर गाड़ी जा रही है तो बताइए 0 से 2 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, है ना। तो अगर आप लिटरली अगर आप ऐसे देखें, आप पूरा इसको विजुलाइज करना चाहें, तो इसका मतलब ये होता है, करेक्ट। अब नाउ इसको सॉल्व करना है तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। सो कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी देखिए ध्यान से, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है हमारे पास ds by dt, ये होता है वेलोसिटी। सो ds by dt को सूत्र क्या बोलते हैं, v। और हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या रहता है, v equal to e plus 1, तो यहाँ पे मैं दूसरी जगह क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ यहाँ पे ds by dt is equals to e plus 1। ओके नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ds is equals to this is e plus 1 into v, ऐसा हो जाएगा ये फंक्शन। नाउ अभी क्या करना है, हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, जब भी ऐसा कुछ फॉर्म बने तो हमें क्या करना है भाई, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रखा है, s फ्रॉम 0 टू 2 सेकंड्स, मतलब यहाँ पे आपको टाइम की लिमिट दे रखी है। नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो पहले p इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे टाइम देखिए, यहाँ पे dt फंक्शन यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे जो लिमिट्स लगाएंगे वो टाइम की लिमिट लगाएंगे, और यहाँ पे क्या है, ds फंक्शन है, ds फंक्शन है, यानी कि क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। सो वहां पे हम क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स, पार्टिकल किधर होगा, 0 पे होगा, है ना। और यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड्स पूछा जा रहा है, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पार्टिकल ने मान लीजिए कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यस, है ना। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो चलिए सॉल्व करके आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, अभी मैंने आपको रिवाइज कराया डेफिनेट और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, चलिए सॉल्व कीजिए एवरीबॉडी, सब लोग सॉल्व करें, देखिए देखने से नहीं आएगा आपको, सॉल्व करेंगे तभी आएगा।
एक आंसर आ गया 2 मीटर। यस वेरी गुड। चलिए बाकी लोग सॉल्व करें। गलत हो गया आंसर, 4 मीटर आया। देखते सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या आता है आंसर। कुछ लोगों का 2 मीटर आया, कुछ लोगों का 4 मीटर आया। वेरी गुड। यस थ्री मोर आंसर्स। 4 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर। चलिए देखते क्या था आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यस बाकी लोग सुनील हम लोग कर पा रहे हैं। चलिए देखते सॉल्व करते हैं। तो नाउ अभी देखिए यहाँ पे डीएस है, तो जैसे बताया था आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन डी वाई, इंटीग्रेशन डी जेड कितना आता है, जेड आता है ना, वही चीज आती है। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे, है ना। ये बात बताइए आपको लिमिट कहाँ से लेके, जीरो से लेके, ओके नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे ऐसे आपके पास जो टी डी टी है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। देखिए यहाँ पे टी की पावर कितनी है, 1, है ना। तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ऐसा t की पावर 1 इंटीग्रेशन ऐसा t की, तो ये क्या हो जाएगा भाई t की पावर 2 अपॉन 2, है ना। और यहाँ पे से करेंगे इसको प्लस 1 dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस t, है ना। ये आपके पास पूरा का पूरा फंक्शन लिख गया, यानी कि आपके पास ये लिख गया इंटीग्रेशन पर आपने t स्क्वायर बाई 2 प्लस t मिला, है ना। नाउ अब इसको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके, सॉरी लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके 2 तक, है ना। तो नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट डालेंगे, एक बार ओवर लिमिट डालेंगे, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो नाउ अगर यहाँ पे आप सॉल्व करो तो एस माइनस यहाँ इधर, तो एक बार ये वाली लिमिट, एक बार ये वाली लिमिट, फिर क्या आएगा आपके पास एस माइनस ओके इज इक्वल टू, यहाँ पे डालो तो लिमिट आएगा टू स्क्वायर बाई टू प्लस टू, है ना, माइनस माइनस जीरो स्क्वायर अपॉन टू प्लस जीरो, ओके। ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आएगी भाई, जीरो, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ गई, एक दो से दो कैंसिल हो गया, कितना आ गया, टू प्लस टू, ये आ गया भाई आपका 4 मीटर, है ना। इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल ऐसे चल रहा था, यहाँ पे ऐसे चल रहा था, और यहाँ पे इक्वल टू जीरो से लेके इक्वल टू 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 सेकेंड्स पे पार्टिकल ने कितना स्पेस में कवर किया, ये चला 4 मीटर। हाँ जी, सोहेल समझ में आ रहा है आपको, सोहेल हेलो, ओके हाँ हर्षल, क्या दिक्कत है, क्या क्वेश्चन बन, व्हाट अबाउट क्वेश्चन बन, एक्सप्लेन वन मोर टाइम। देखिए ठीक है, क्लास के बाद आप आइए, है ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सुहेला जब क्लास के बाद मैं बाद में जो फिर समझाता हूँ, इसको देख लो आप अच्छे से, नोट कर लो, क्लास के बाद आपको मैं समझा दूँ, क्योंकि और सारे क्वेश्चन आएंगे उसमें कवर हो जाएगा। ओके चलिए एक और सवाल करेंगे इसी टाइप का। तो नाउ इसी क्वेश्चन में फंक्शन वही है आपका v इज इक्वल टू t प्लस 1, फंक्शन वही है। अब मैंने आपको पूछा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट at the end of 4 seconds, at the end of 4 seconds, and initially body is at rest। ऐसा बताया गया आपको, है ना। तो अभी आप इसमें कैसे फंक्शन फाइंड करोगे, कैसे लिमिट फाइंड करोगे, ये आपको देखना है।
चलिए सॉल्व करके तो देखते हैं आंसर। अच्छा आंसर आ गया 12 मीटर। 12 मीटर आ गया इसका आंसर, उचित आंसर आ गया 12 मीटर। बाकी लोग सॉल्व करें, सॉल्व करें बाकी लोग, सवाल लिखिए पहले सब लोग। Yes. सबका हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये भी कैसा है, पुराने सवाल जैसा ही है, बस इसमें आपको लिमिट अच्छे से पुट कर रही है, नथिंग एल्स, बाकी और कुछ नहीं। चलिए 12 मीटर। हाँ भाई देखो ध्यान से, तो यहाँ पे बी इक्वल टू बी प्लस वन दे रखा है, तो फिर से वही बात, एस बाई डी टी इज इक्वल टू टी प्लस वन, है ना। ds by dt is equal to t plus 1. Now we have to solve for again. So here we have the ds is equal to फिर से t plus 1 और ये ऐसा dt है। देखो सॉइल फिर से देखो आप, तो ds is equal to t plus 1 dt ऐसा लिखेंगे, दोनों तरफ की क्या करेंगे ऐसा इंटीग्रेट करेंगे। तो नाउ हमें पता है t equal to 0 पे बॉडी, s is equal to 0 पे डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर रखा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 सेकंड, and this information is provided that initially body is at rest, but the p is equal to 0 pe body kahan pe hai bhai, s is equal to 0 pe rest pe hai, kuch displacement body ka nahi hua, yahan pe sab put kiya। now abhi bol raha hai ki t equal to 4 second pe, at the end of 4 second pe kya hoga, to yahan pe displacement hoga s। now fir se humne kya kara isko, ye aa gaya hamare paas s minus 0, main likh raha hu directly s minus 0 aa gaya, solve karke is equal to t plus 1 dt, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा आपके पास t square by 2 plus t, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ t dt plus इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, दोनों तरफ लिमिट 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, है ना। तो फिर यहाँ पे इसकी लिमिट 0 से 2 तक, तो भी आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 0 से 4, सॉरी लिमिट कहाँ से भाई, 0 से लेके 4 तक। तो ये यहाँ पे 4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4, तो ये आ गया आपके पास कितना आ गया जी, और ये माइनस ऐसे यहाँ पे 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 0, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 16, 8 प्लस 4 12 मीटर, स्क्वायर मीटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया भाई, वेलोसिटी दे रखा है आपको, अपने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। तो जैसे ही यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन दे रखा है तो उससे भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो क्या करना होगा, वहाँ पे फिर से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, आपको वहाँ से इंटीग्रेशन की। ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने से दे रखा है। इफ वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, थोड़ा एक्सेलरेशन का करते हैं, इफ a इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस t प्लस 1,
ऐसा इक्वेशन दे रखा है, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 seconds, फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 seconds, फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 seconds, इफ प्रोवाइडेड एट टी इक्वल टू 0, वेलोसिटी इक्वल टू 0. टाइम टी इक्वल टू 0 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 0 है, ऐसा दे रखा है, एक्सेलरेशन का फंक्शन दे रखा है. तो फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 seconds. करिए फटाफट इसको सॉल्व करें. कैसे करेंगे? ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? डीवी बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, आंसर. यस, करेंगे सॉल्व, बताएंगे आंसर. चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं इसको. तो वेलोसिटी यहाँ पे ऐसा है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो, एक्सेलरेशन एक्वल लिख सकते हैं यहाँ पे हम, डीवी बाई डीटी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, है ना. तो यहाँ पे अगर डीवी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इंटू डीटी, मतलब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो सॉल्व करने में यहाँ मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन, सो बहुत यहाँ पे हमें जीरो से करा और लिमिट हम यहाँ पुट करें, लिमिट टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 0 पे वेलोसिटी कितनी है भाई? 0 है. एट टी इक्वल टू 2 सेकंड में पूछा है तो वहाँ पे कुछ वेलोसिटी 2 हो, 2 सेकंड. ओके, सो यहाँ पे आप उसको सॉल्व कीजिए. यहाँ पे आएगा आपके पास, इधर आप इसे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन में कितना आएगा? ये आएगा आपके पास टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे टी, और ये आ गया आपका 0 से 2 तक, और यहाँ पे प्लस टी कितनी हो गई? तो नाउ अभी आप सॉल्व करो यहाँ पे, तो ये आएगा आपके पास 2 का क्यूब बाई 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 प्लस 2 माइनस 0. सारी पुट करेंगे वैल्यू, उसको क्या आएगा? 0 आएगा. तो नाउ अभी हम आपके पास कितना आ गया थी, या आपके पास आ गया 2 की पावर 3, कितने हो गए आपके पास? 8/3 प्लस 8/3 प्लस ये कितना हो गया? 0 हो गया. 2 प्लस 2 हो गया आपके पास 8/3 प्लस 4, आंसर आ गया आपके पास 20/3 मीटर पर सेकंड. ओके, एनी डाउट? यस, एनी डाउट? समझ पा रहे सभी लोग? एक ही टाइप के सवाल है, बस किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पे? ओके, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट, तो ये तो हो गए बड़े आसान टाइप के सवाल हो गए, है ना, क्योंकि ये इतने पे लिमिट ये है तो ऐसे बताओ, ऐसा करके सवाल आ गया. बट कुछ जो क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जिसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देते हैं, क्या करते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करती है. तो
जब भी आपको समझ में आया कि इससे लिमिट कहाँ पुट करनी है, लिमिट कैसे पुट करनी है, तो एक और तरीका होता है ना। वो तरीका आपको समझाने के लिए मैं दो सवाल कराऊंगा आपको, दोनों सवाल को आपको ध्यान से देखना है ना। एक बार खुद आप ट्राई करो, फिर उन सवालों को मैं अलग टेक्निक से बताता हूँ कि वो कैसे आएगा ना। अभी यह क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है, ये सवाल ऐसा आपके सामने से ऐसा दे रखा है आपके सामने, v equals to 2t, ओके, find s at t is equal to 3 seconds, ओके, और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, if at t equal to 0, if at t equal to 0, body is 2 meter behind horizon, body is 2 meter behind horizon. ऐसा दे रखा है सवाल। अभी सॉल्व कीजिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 3 सेकंड्स, इस अनुवर्त अनुवर्त प्लस से आपको निकाल दिया जाएगा हमेशा के लिए, लिमिट कर रहे हैं आप, ये रिस्क करो जल्दी फास्ट, ये इज इट, बाकी लोग सॉल्व करें। Yes, fast. Give response fast. Seven. Yes. आंसर है 7 मीटर, है ना। सो आप नॉर्मल लिमिट भी पुट करके आप निकाल सकते हो, वैसे भी आएगा ना। एक और तरीका होता है और फॉर्म है जिससे करते हैं, लेकिन जनरली ऐसे v इक्वल्स टू टी आपने ऐसा लिखा पब्लिक के लिए आंसर, तो v इज इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पे आ गया 2, ऐसे ओके। तो नाउ अगेन dx बाई dt इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पे 2t, फिर से आपने फिर यहाँ पे इंटीग्रेट किया, आपके पास आया ds is equals to 2t dt, ऐसा आपके यहाँ पे ऐसा इंटीग्रेट किया है ना। तो जैसा मान लीजिए कि अभी ये लिमिट हमें अभी यहाँ पे पुट करने में हमारा थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, करेक्ट। वैसे तो नॉर्मली आपने लिमिट पुट कर दिया होगा t equal to 0, वैसे कितना है वहाँ पे माइनस, वैसे पुट करा होगा, बट अभी जैसे मान लो लिमिट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे इसको जैसे हमने ऐसे ही इंटीग्रेट कर लेते तो इधर कितना आ गया, s equals to या कि आपके पास t square plus c, है ना, ऐसा आ गया। so now हमें यहाँ पे ये जो c है ये क्या है भाई, यहाँ पे अभी unknown है, पर यहाँ पे condition क्या दे रखी है कि at t equal to 0 s is equals to minus 2, है ना। तो इन दोनों values को क्या करा हमने यहाँ पे ऐसा put कर दिया, correct। यहाँ पे आपने यहाँ पे put किया तो s की value कितनी है, minus 2 is equal to ये कितना हो गया भाई 0 के स्क्वायर प्लस c, यानी ये आपके c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे माइनस 2, c की वैल्यू कितनी आ गई जी माइनस 2, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे आप पुट कर दो इस वैल्यू को, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आ गया वो कैसा आ गया, वो आपके पास आ गया s is equals to t square minus 2, है ना। तो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कितने सेकेंड्स पे, तो एट t equal to 3 सेकेंड्स पे, तो t equal to 3 वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो वो बहुत आसान होता है, बट यहाँ पे कभी सिचुएशन ऐसे गड़बड़ हो रही हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ओके। यस, सबको समझ में आ रहा है, एनी डाउट? ओके, नया तरीका आपको समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने सीख लिया डिफरेंशियल मेथड से, सीख लिया हमने जो हमारे जो कैलकुलस बेस्ड जो फिजिक्स है, तो उसमें कितने वेरिएशंस होते हैं, कैलकुलस का कितना यूज होता है आपको पता चल गया। तो यहाँ से फाइनल कंक्लूजन हो गया आपके पास यहाँ पे, एस से वी और यहाँ से एक्सेलरेशन।
वैसे जाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट, और यहाँ पे ऐसे आपको उल्टा आना पड़ेगा, जैसे ए से बी निकालना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जी, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आपको यहाँ से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये है इसकी यहाँ पे समरी, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, नाउ इसमें एक बार फॉर्मूला आता है जैसे पढ़ा रखा है, फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ उनको। जैसे यहाँ पे v इक्वल टू सॉरी dx by dt करते हो तो क्या मिलता है आपको, वेलोसिटी मिलता है, dv by dt करते हो तो आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मिलता है। सिमिलरली एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है v dv by dx, इसको भी क्या बोलते हैं, इसको भी हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये भी फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, v dv by dx है। कैसे निकालते हैं देखिए, इसको समझिए इस बात को। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा dv by dt दे रखा है ना, तो हम इसको क्या करते हैं भाई, ऊपर नीचे dx और dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ये मान लीजिए ऐसा एक्सेलरेशन दे रखा है, ऊपर नीचे dx by dx से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो देखिए ध्यान से, ये जो आपका जो dx by dt है, ठीक है भाई, ये वेलोसिटी है ना, तो dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इस dx by dt की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ, और बच क्या गया, ऊपर बचा आपके पास dv और नीचे बचा आपके पास यहाँ पे dx। तो एक्सप्रेशन को v dv upon dx भी लिखते हैं। ओके, चलिए एक कुछ लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इस पे v dv by dx पे करते हैं, जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, एक्सप्रेशन a is equal to x square, find v when x is 2 meter, find v when x is 2 meter, given that at x is equals to 0, body is at rest. So find the velocity when x is 2 meter, given that at x is equal to 0, body is at rest. इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको physically analyze करें, ये particle के यहाँ पे motion दे रखा है, particle यहाँ पे स्टार्ट हुआ किससे भाई, v इक्वल टू जीरो से, इनिशियल वेलोसिटी जीरो से, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या था, x इक्वल टू जीरो था। तो नाउ वही बोल रहे हैं कि जब पार्टिकल यहाँ पे चलते 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 x इक्वल टू 2 मीटर पे आया, x इक्वल टू 2 मीटर पे आया, तो इस टाइम पे, इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, ये फाइंड करूंगा। तो चलिए सॉल्व करके दिखाएं, ट्राई करें सब लोग। हाँ समीर, क्या रिपीट करना था, चलिए ये क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं पीछे वाला मामला रिपीट कर देता हूँ एक बार। चलिए नोट कर लिया सबने, सॉल्व कर दिया भाई। देखिए ये फॉर्मूला में दिक्कत है, वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो देखिए ध्यान से, फिर से देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा डी वी बाई डी टी, इस पर कोई डाउट नहीं है, सबको पता है। So, मैंने क्या करा, ये dv by dt से मैंने क्या करा, इसमें ऊपर नीचे dx upon dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया, dv upon dx है ना, ये dx इधर लिख गया है, और ये जो आपका जो dt है इसको यहाँ पे लिख गया है ना। कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो आपका जो dx by dt है, ये क्या होता है भाई, ये dx by dt होता है आपका वेलोसिटी है ना। तो dx by dt क्या लिखा हमने यहाँ पे, v, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास v dv upon dx, करेक्ट। हाँ भाई समीर, ओके समझ में आपको, ओके चलिए सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन, सब लोग सॉल्व करेंगे। Yes, answers.
सिंपल है। अभी देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है भाई, एक्स का फंक्शन दे रखा है ना, तो अभी यहाँ पे हम ए इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी विल नॉट रिमेम्बर है ना, अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू वी डी यू बाई डी एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तो अभी हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा, इस फॉर्मूला को यूज। चलिए सॉल्व करता हूं मैं, क्या आंसर आ रहा है किस बच्चे का, ये आंसर्स 8.3 आंसर आ गया, 8.3 2.6 दूसरा आंसर है, 8.3 देखते हैं सॉल्व करके। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सो ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, नाउ आर आप देखेंगे यहाँ पे ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स है ना, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू x स्क्वायर इक्वल्स टू b dv अपॉन dx, तो इसका कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, आप इसको यहां पे लिख सकते हो b dv इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू dx, ओके ऐसा हो गया। नाउ अब यहां पे क्या करो, आपको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, और यहां पे कंडीशन दे रखी है आपको, जब v इक्वल टू 0 है तो x क्या है, 0 है ना, तो आपसे पूछा जा रहा है जब x 2 है तो बताइए वेलोसिटी कितनी है ना, ये कंडीशन है आपके साथ, तो कर दीजिए, तो ये 0 से लेके यहाँ पे v तक, और यहाँ पे ये 0 से लेके ऐसा v तक, तो नाउ सॉल्व कर लो, यहाँ पे आएगा आपके पास v स्क्वायर बाई 2, ये बताने की जरूरत नहीं है, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आएगा आपके पास x 3 बाई 3 लिमिट 0 से लेके v तक, तो और आप यहाँ पे सॉल्व करो, और सॉल्व करो यहाँ पे, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया प्लस b स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास 8/3 माइनस 0, नहीं 8/3 माइनस 0 आ गया, तो आ गया आपके पास b स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 8/3 है ना, 8/3 आया, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया b स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 3 b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, b स्क्वायर की वैल्यू आ गया आपके पास 16 अपॉन 3, तो यहाँ से देखो तो b की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया आपके पास 4 अपॉन रूट 3 मीटर पर सेकंड, दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके 4/√3 कितने लोग आया, 4/√3 आंसर आया क्या, फर्स्ट इंपॉर्टेंट 4/√3 सर पावर के दाम पर रोशन बट लोग आया खास से पावर आ गया है, खास से ये मैच का आंसर आ गया, मैच का आया वेरी गुड, एक बार और चलिए एक बार और देखते हैं, 5.3 वेरी गुड क्वेश्चन आंसर है, आप देखिए ध्यान से, तो ये बात तो समझ में आ रही है ना कि a इक्वल टू v dv बाई dx होता है, ये समझ में आ रहा है है ना, और इसको मैंने फिजिकली भी एनालाइज करके दिखाया कि पूछा क्या जा रहा है सवाल, तो सवाल में ये पूछा जा रहा है यहाँ पे बॉडी है, ये बॉडी यहाँ से ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो कंडीशन क्या है भाई, एट x इज इक्वल टू 0 बॉडी के रेस्ट पे है, वेलोसिटी भी क्या होगा 0 होगा, और ये पार्टिकल चल रहा है चल रहा है चल रहा है, जब पार्टिकल x से कुछ तो 2 मीटर पे आया, तो आपसे पूछा गया कि यहाँ पे बताइए पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है ना, और इस पूरे रास्ते के लिए आपको एक रूल दिया गया कि एक्सेलरेशन इज वेरिंग एज a इज इक्वल टू x स्क्वायर है ना, सो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, a को लिख दिया x स्क्वायर v dv by dx, x स्क्वायर इज इक्वल टू v dv by dx, मैंने क्या करा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो नाउ यहाँ पे v dv है, यानी v की पावर अभी यहाँ पे कितनी है भाई, v की पावर यहाँ पे
वन है, बी की पावर वन है, तो क्या होगा बी का पावर प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, ये आएगा आपके पास बी स्क्वायर बाई टू है ना, वी डी वी और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये कितना होगा एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन थ्री, ये होगा बी स्क्वायर बाई टू और ये एक्स क्यूब बाई थ्री। आगे मैंने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद मेरी बात थ्री मिनट प्लस। हाँ जी नाउ एनी डाउट, यस इज देयर एनी डाउट, ओके बाकी लोगों कोई डाउट यहाँ तक की प्रॉब्लम में, ओके पूरे सवाल को जाके आप एक बार खुद से कीजिए घर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं यहाँ पे अपने इक्वेशन ऑफ मोशन, तब तक के काइनेमेटिक्स का जो भी ये एस्पेक्ट था वो हमने पूरा कर लिया, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सब कुछ यहाँ पे कवर हो गया है ना। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, अभी हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो तीन इक्वेशंस होती है चार इक्वेशंस होती है, v is equal to u plus ag, s is equal to ut plus half at square और last v square minus u square is equal to 2as, और एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल इनटू डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड फॉर्मूला है ना, तो वो क्या होता है डिस्टेंस इन nth सेकंड, तो इसका फॉर्मूला होता है u plus a by 2 इनटू 2 n minus 1, ये चारों फॉर्मूलेज होते हैं, तो यहाँ पे आप जानती है u क्या होता है, b क्या होता है, सारी बातें आप जानते हैं। एक्सेलरेशन में एंड टाइप करो ना, एक्सेलरेशन में और टाइप करो, व्हाट डू यू मीन एक्सेलरेशन में और टाइप करो, हाँ रेशनलाइज कर सकते हैं बेटा, हाँ शिव क्या कहना चाहते हो एग्जैक्टली, और क्वेश्चंस करने हैं आपके एक्सेलरेशन में, हाँ शिव क्या कह रहे हैं आप, मोर सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है जल्दी जल्दी मैं आपको और क्वेश्चन दे दूंगा, ओके चलिए, तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या, u = u + a t, u = t² u² - u² = 2as, और ये जो सारे फॉर्मूलेस हैं इसमें आप जानते हो v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, t होता है यहाँ पे टाइम, डबल इंटीग्रेशन बता दो सर क्या होता है डबल इंटीग्रेशन, ठीक है क्लास के बाद में फोन करो। अब देखिए यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी और ए एक्सेलरेशन होता है, तो इसमें समझने वाली बात ये है कि इन सारे इक्वेशंस में चारों इक्वेशंस में ये एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है भाई यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जो हमने जो पिछले जो सवाल पढ़े थे a equal to dv by dt, a equal to x square, वहाँ पे a is depending on x है ना, इसमें में v is depending on time, करेक्ट, तो वेलोसिटी पीछे पे चेंज हो रही है, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है, बट यहाँ पे जो ये चारों इक्वेशन पढ़ते हैं इनके लिए क्या है भाई एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो सॉल्व हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा पीछे जाना पड़ेगा और वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलस है ना, तो इनमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्सेलरेशन क्या होता है कांस्टेंट होता है, और दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे दूसरी बात कि यहाँ पे जो एस है this s represents displacement, s displacement को represent करता है, distance को represent नहीं करता है ना, ये बहुत ही important point है, कोई भी आपसे पूछ सकता है what does this s represents, distance or displacement, this s represents displacement always 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 and always, okay acceleration constant होता है और ये displacement s को represent करता है, correct, यहाँ तक क्लियर है, तो चलिए फटाफट अभी तक हम क्या करेंगे सारे क्वेश्चंस को सारे इक्वेशंस को एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेंगे है ना, रिवाइज कर लेंगे उसके फिर से हम करेंगे उस पर सवाल है ना, तो मैं आपको बताते जाता हूँ आप करते जाओ, तो फिर से हम यहाँ पे देख लेंगे, इसके लिए हम एज्यूम करेंगे कंडीशन यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, टोटल टाइम t ले रहा है,
इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, टी इज इक्वल टू 8 खत्म हो रहा है और स्टेटिस्टिकल स्पेसिफिक टेंशन एस है। तो नाउ पहले इक्वेशन को डिराइव करते हैं, तो ए इक्वल टू क्या होता है भाई, ए इक्वल टू होता है हमारे पास की वेलोसिटी ऑफ मटेरियल टाइम और एक्सेलरेशन हम भी जानते हैं होता है हमारे पास की फाइव डी वी करेक्ट। तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। ऐसे देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ये फॉर्मूला ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसे बन गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। नाउ अब देखिए पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू फाइनल वेलोसिटी कितनी है वी, तो लिमिट आएगा यहां से कितना जाएगा आपका यू से लेके वी तक। और यहां पे वीटी है तो इसका टाइम लिमिट लगाएंगे भाई टाइम लिमिट, टाइम पास कहां तक भाई, जीरो से लेके यहां तक टी तक, तो टाइम हो गया आपके पास जीरो से लेके करेक्ट। नाउ एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो वीटी का जो इंटीग्रेशन आएगा ये वी लोअर लिमिट यू अपर लिमिट वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये बार में क्या होगी ऐसा यहां पे ऐसा जीरो से लेके। तो नाउ अभी ये बन गया आपके यहाँ पे आप बी माइनस यू इस तरफ मैंने यहाँ पे डेल्टा एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो बी माइनस यू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए और ये हो जाएगा आपके यहाँ पे माइनस यू ओके। तो नाउ अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास बी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो फॉर्मूला बन गया आपके पास बी इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, ये आपका बी इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो ग्राफिकल मेथड से आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, अभी हमने बता दिया आपको कैलकुलस की मेथड्स है ना। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा फॉर्मूला डिराइव करते हैं। हाँ जी हो गया, देन अगर साथ रुकिए डबल इंटीग्रेशन बताएंगे आपको। ओके चलिए दूसरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे डिराइव करते हैं। सो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन तो सेकंड है हमारे पास एस इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन हमारे पास एस इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे हम जानते हैं एस वेलोसिटी से फाइंड करेंगे, तो वेलोसिटी क्या होता है ds / dt, तो ds इज इक्वल टू यहां पे लिखेंगे v dt, दोनों तरफ को यहां पे से इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से लेकर यहां पे s तक और यहां पे 0 से लेकर t तक। तो यहां पे ये तो क्या आएगा s आएगा यहां पर, और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं v इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं u + at, और इसको फिर से इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर t तक करेक्ट। So, v is equal to u plus a t dt. So, now, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर लोगे बहुत ही आसान है। So, आप इसको आपको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा आपके पास u dt इंटीग्रेशन जीरो से करके e तक प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे a t dt जीरो से करके e तक। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो u तो क्या भाई अपना कॉन्स्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस जीरो। देखिए यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे ये u बाहर निकाल लेंगे, dt ऐसे हो गया जीरो से लेके तो u dt का इंटीग्रेशन होगा t, तो एक बार लिमिट पुट करेंगे t माइनस यहाँ पे तो यहाँ पे आपका u इनटू t माइनस जीरो प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे आपके पास ये आपके पास है t dt, तो ये बन जाएगा आपके पास u t प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पे a और ये हो जाएगा आपके पास t स्क्वायर बाय 2 माइनस जीरो, लिमिट पुट करेंगे लिमिट पुट करने के बाद। तो नाउ अभी आपके पास ये इक्वेशन क्या बन के आ गया, ये आपके पास आ गया यू टी प्लस हाफ, हाफ को बाहर निकाल देंगे ए इंटू टी स्क्वायर, तो नाउ ये भी डेराइव हो गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ओके डन।
यस हो गया जी। हर्षल क्या डाउट है, किस पॉइंट में डाउट है हर्षल पवार बताइए। बीबीटी हाँ देखिए ध्यान से देखिए, हमारी हमें पता है ना वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डीएस बाय डीटी है ना। मैंने क्या करा यहाँ पे वी इक्वल टू डीएस बाय डीटी का भी क्या करा हमने यहाँ पे क्रॉस करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो डीएस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डीटी आया। अभी पिछले फॉर्मूले में पढ़ा क्या होता है भाई वी इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, तो यहाँ पे बी की जगह मैंने क्या लिख दिया भाई बी की जगह मैंने यहाँ लिख दिया यू प्लस एटी बात खत्म है ना। फिर वहां पर मैंने क्या किया इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पे नीचे पूरे इंटीग्रेशन में कोई डाउट है जी आपको, इंटीग्रेशन में कोई डाउट क्या हर्षल क्लियर, और कोई डाउट हर्षल ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे नाउ नेक्स्ट तीसरा वाला, तीसरे वाले फॉर्मूले को टेबल पे राइट करते हैं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस है ना। तो इसके लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है हमारे पास ए इक्वल टू बी डी वी बाई डी एक्स है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी डी वी बाई डी एस पे लिख सकते हैं ना, डी एक्स की जगह क्या डी एस पे लिख सकते हैं। सो अभी यहाँ पे क्या करो भाई, आप यहाँ पे करो इंटीग्रेशन अभी यहाँ पे से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास बी बी इज इक्वल टू ए डी है ना, ऐसा आ गया। नाउ अभी क्या करेंगे दोनों तरफ में ऐसा इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के लिमिट में यू से लेके बी तक और यहाँ पे जीरो से लेके एस तक है ना, क्योंकि ये कंडीशन हम याद रखेंगे ये वाली कंडीशन। पार्टिकल स्टार्ट हुआ टी इक्वल टू जीरो पे और पार्टिकल टी इक्वल टू टी पर रुक गया है, इसके बीच में कवर किया एस टाइम लिया टी ओके। तो इसके हिसाब से हमारे पास ये आ गया, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और यहाँ पे वी डी भी है तो इसके इंटीग्रेशन आएगा आपके पास स्क्वायर बाई टू और ये यू से लेकर बी तक और यहाँ पे ए को मैं बाहर निकाल लूंगा तो यहाँ पे ये एस अभी भी जीरो से लेकर एस तक बनाओ। ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास बी स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ए टू एस है ना। ये आपके यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, नाउ सॉल्व कर देंगे आप जो कि हम क्या कर रहे हैं बी स्क्वायर एलसीएम लेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू यहाँ पे ए एस और क्या क्या बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस जी खत्म। यस एनी डाउट डन, फटाफट फास्ट करें फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो जो लास्ट इक्वेशन है उसको यूज करते हैं। लास्ट तो लास्ट क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन एनएच सेकंड, वो फॉर्म ले हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्व करेंगे उसको। सो नाउ डिस्प्लेसमेंट इन एनएच सेकंड का हम मतलब समझते हैं ना। सो जैसे एग्जांपल यहाँ पे कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। सो यहाँ पे पार्टिकल ने स्टार्ट किया टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया और यहाँ पे कुछ टाइम टी इक्वल टू 20 सेकंड तक पार्टिकल चला है ना। नाउ अगर आपसे कोई कहता है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन टी इक्वल टू 5 सेकंड्स, 5 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, उसका मतलब क्या होता है जीरो से लेके 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड है ना, मतलब जीरो से लेके पूरे 5वें सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया ये निकालना है ना। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड है ना, फिफ्थ सेकंड का मतलब क्या होता है
ये रहा देखिए यहाँ पे, ये रहा आपका यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो 5वें सेकेंड में, 5वें सेकेंड का मतलब क्या होता है एक्चुअली कि वो 4 से 5 में कितना डिस्टेंस चल रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द 5th सेकेंड, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड, है ना, 6th सेकेंड का मतलब क्या होगा जी, 5 से 6 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस चला, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड, है ना। तो इसीलिए हमें क्या है, क्विज के लिए एक एक्स्ट्रा अलग फॉर्मूला चाहिए, अलग फॉर्मूला नहीं भी चाहिए, आप इसके फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हैं ना, बट इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला बना दिया क्या हो गया आपके लिए इजी। तो अभी देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं फाइन डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड की बात करते हैं, 5th सेकेंड, तो 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, तो आपको सिर्फ ये डिस्टेंस निकालना है, इतना निकालना। सो अगर आप क्या करो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो आप 5 सेकेंड का, मतलब तो आप क्या कर लो भाई, ये पूरा डिस्टेंस निकाल लो, ये वाला डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस आप निकाल लो, ओके। फिर उसमें से माइनस कर दो, माइनस कर दो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, है ना, मतलब आप ये माइनस कर दो, ये इतना वाला डिस्टेंस निकाल लो, और फिर ये पूरे डिस्टेंस को माइनस कर दो इसमें से, ये नीचे वाले डिस्टेंस। तो S5 माइनस अगर आप S4 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, है ना, 5वें सेकेंड। आई बात समझ में, कितने लोगों को ये क्लियर है, मैंने आपको क्या बताया, जो बताया वो क्लियर है सबको, अच्छी अभी क्लियर है, कोई डाउट इसमें, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, 4th सेकेंड, 3 सेकेंड्स, ओके ये क्लियर है। तो चलिए अब हम इसका नोटेशन डालेंगे और इसे हम एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे, ओके चलिए देखिए ध्यान से। सो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पहले फाइंड द फाइन डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, और उसमें से क्या करो 1 सेकेंड पहले वाला डिस्प्लेसमेंट क्या करो आप उसको माइनस कर दो, है ना। तो आप पहले 5 सेकेंड का निकालिए, फिर 4 सेकेंड का उसमें आप घटा दो, तो मैन की वैल्यू कितनी है 5, तो एक पीछे वाले सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, मान लीजिए पार्टिकल चल रहा है यहाँ पे u वेलोसिटी से, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है u है, टाइम आपको n सेकंड दे दिया, पार्टिकल की वेलोसिटी u है, टाइम t इक्वल टू n सेकंड दे दिया, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, एक कांस्टेंट है ना। तो चलिए पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, s इज इक्वल टू n सेकंड में, तो ये कितना होगा आपके पास, जो हो जाएगा u t, तो t की जगह क्या लिखूं मैं यहाँ पे, n प्लस हाफ a n स्क्वायर, करेक्ट, ये हो गया n सेकंड में। और फिर आपको n माइनस 1 सेकंड में आपको निकालना है, माइनस 1 सेकंड में निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। नाउ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे n सेकंड निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको निकालना होगा यहाँ पे s n माइनस s ऑफ n माइनस 1, ओके। तो ये इक्वेशन में से आप इसी इक्वेशन पे क्या करेंगे, आप घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नाउ देखिए सब्ट्रैक्शन करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे क्या आता है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे आप थोड़ी आसानी से, तो ये आएगा आपके पास यहाँ पे u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे क्या करेंगे आप u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a into n minus 1 का स्क्वायर, है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पे, है ना, दो बार मैंने सॉल्व करा है, इसलिए मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा है, लास्ट लेक्चर तक करा रखा है सॉल्व। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला जो आता है इन n सेकंड, ये आता है आपके पास u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, तो ये आता है हमारा फाइनल 4th इक्वेशन, ओके। आप एक बार जाओ घर पे जाके सॉल्व करो, है ना, ये आंसर आ जाएगा आपका। यस, एनी डाउट्स, हाँ जी समझ में आ गया, तो सब लोग इसको सॉल्व करना, देखो क्या आंसर आता है। चलिए डन, यहाँ पर कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट, चलिए एक सवाल करेंगे हम 1 सेकंड का, one question will do, question आपके सामने,
ऐसा ऐसा सवाल आपके सामने ऐसा है, एक सेकंड का करेंगे, कल और अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है जो ट्रेवल करता है 5 मीटर इन 3 सेकंड, तीसरे सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है एंड इट ट्रेवल्स 9 मीटर इन 7 सेकंड, सातवें सेकंड में कितना ट्रेवल करता है जी 9 मीटर। तो आपसे सवाल पूछा गया फाइंड डिस्टेंस मूव बिटवीन, चलो सवाल तो ये बताओ, पहले आप ये बता दो, पहला सवाल फाइंड एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी, पहला सवाल ये हो गया फाइंड एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी, एंड दूसरा सवाल इसमें डिस्टेंस मूव बिटवीन, डिस्टेंस मूव बिटवीन इट विल बी इक्वल टू 5 सेकेंड्स एंड 8 seconds, then find acceleration and initial velocity. पहला ये सवाल करो, इसका होमवर्क में करके लाओ। चलो सवाल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए। 5 मीटर चला है तीसरे सेकंड में, 9 मीटर चला है 7 सेकंड, to find acceleration and initial velocity. तो यहाँ पे दो कंडीशन है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे दो इक्वेशन बनाने हैं, इन सेकंड के फॉर्मूले को यूज करके पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन दोनों को सॉल्व करना है, आंसर आएगा। चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 सेकंड कैसे चला है, तो फॉर्मूला पता है हमें, ये फॉर्मूला पता है डिस्टेंस इन एन सेकंड इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए 3 सेकंड में 3 सेकंड में कितना चला 5, तो उसे फॉर्मूला लिखेंगे 5 इक्वल यू प्लस ए बाई टू इंटू 3 सेकंड, मतलब यहाँ पे 2 × 3 − 1, ये कितना आएगा 5 इक्वल टू यू प्लस, ये आएगा आपके पास 5/2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन हम ऐसे ही फॉर्म करेंगे, तो दूसरा इक्वेशन आएगा आपके पास यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 9 मीटर चला है u प्लस a बाई टू इंटू कितना सेकंड में भाई 7 सेकंड, मतलब 2 × 7 − 1, है ना। तो आपके पास ये हो गया 9 इज इक्वल टू यू प्लस 13/2 a, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। दोनों को आप सॉल्व करेंगे, दोनों को आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन आता है, इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं ना भाई, इक्वेशन आते हैं p इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पे आता है u इक्वल्स टू 5/2 मीटर पर सेकंड, तो है ये आ गया आपका एक्सेलरेशन, ये आ गया आपका। ओके डन, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल क्लास में और सारे क्वेश्चन के साथ, वेक्टर से क्वेश्चन करते रहिए, कुछ ऐसा डाउट हो तो पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं ना। चलिए जो बच्चों को डाउट है वो रुक जाए, बाकी सब चले जाए।